गड्ढों के साथ सेल्फी निकालें और पुरस्कार प्राप्त करें, ऐसा अभिनव आंदोलन चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला अध्यक्ष रामू तिवारी ने क्या जानकारी दी है, आइए देखते हैं। चंद्रपुर शहर में सड़कें साफ कर दी गई है, गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन नींद में है, जिसे गहरी नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने के लिए जिलाध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी इनके नेतृत्व में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस की ओर से सेल्फी विद गड्ढा यह अभिनव आंदोलन किया जा रहा है। चंद्रपुर की जनता को 15 अगस्त तक गड्ढों के साथ सेल्फी निकाल कर भेजना है। परीक्षकों के चुनाव के बाद ही प्रथम 5,000, द्वितीय 3,000 और तृतीय 2,000 रुपए के पुरस्कार से विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। चंद्रपुर एक ऐतिहासिक शहर है। पिछले महीने में हुई मूसलाधार बरसात के कारण शहर के मुख्य रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। इसी के साथ तुकुम, बंगाली कैंप, बाबूपेट, सिविल लाइन अंतर्गत रास्तों की भी दुरावस्था हुई है, जिससे वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण घटनाएं भी बढ़ रही है, कुछ नागरिक घायल भी हुए हैं, लेकिन रास्तों की दुरुस्ती करने की ओर महानगर पालिका प्रशासन अनदेखी कर रही है, जिससे इस प्रशासन का निषेध दर्शाने के लिए चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सेल्फी विद गड्ढा अभिनव आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी ने क्या कहा। पिछले 2 सालों से चंद्रपुर महानगर पालिका के रास्तों की जो हालत है, हर वार्ड में ले लो, हर मेन रोड पे ले लो, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और उसमें महानगर पालिका फालतू के इसमें लाखों रुपए का खर्चा करती है। अभी उन्होंने बीच में फुटपाथ पर जो लाइट लगाया वो बेकार में, अभी एक बरसात में वो पूरे लाइट बह रहे थे। तो हमारा यही कहना है कि पहले आप जो जरूरी चीजें हैं, जो आज लोगों को गड्ढों के कारण कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों को दवाखाने में जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमने एक अभिनव उपक्रम किया है कि लोगों ने गड्ढों के साथ में सेल्फी लेने को ना, कम से कम उससे महानगर पालिका को एक थोड़ी तो भी शर्म आए और उन्हें वो गड्ढे भरे और रास्ते अच्छे बनाए, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम लिया है। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रियारकर की रिपोर्ट।